महिला को अचानक क्या बोलते हैं विक्रमगंज से लोग पकड़ लिया दावत थाना, पकड़ने के बाद जबरदस्ती दारू केस का बना दिया रिपोर्ट और अल्टो में कुछ नहीं मिला। ये लोग बात बार बोलते रह गए कि मेरा अल्टो कार में कुछ नहीं है, फिर भी जबरदस्ती रोते रह गए, फिर भी मार कर टॉर्चर करने के बाद वहाँ लेकर गए दावा थाना लेकर गए, फिर वहाँ अगर पकड़ने के बाद अरेस्ट कर दिया। रात भर हम लोग किए, सब कोई आया, जिला परिषद भी आया वहाँ का, सब कोई बोला कि छोड़ दो, बोला कि भैया कि अब ये क्या बात बनने वाला नहीं है, अब तो फंस गया उस गाड़ी के साथ। इसके बाद क्या बोलते हैं ये लोग, कहा कि सासाराम भेजेंगे, ये छूट जाएंगे 10 दिन में। फिर ये लोग सासाराम आया, हम लोग का भेंट भी नहीं करने दिया, इसके बाद यहाँ एक्सटेंड कर गया। आज का मैटर हुआ कि हम सुबह से वहीं पे थे, कहाँ दावत थाना में, तो ये लोग बोला कि 12 बजे तक हम लेकर आ जाएंगे, 12 बजे भेंट कर लेना। हम 2 बजे तक वहाँ रुके, हमें क्या बोलते हैं थाना पर 2 बजे तक वहाँ नहीं आए भैया, तो हम निकल गए घर पे। घर पे फिर 5 बजे हमें सूचना मिला कि भैया सासाराम 6 बजे तक हम आ जाएंगे जेल में वहाँ पे। इसके बाद हम आने के बाद तब तक 6 बजे सूचना मिला कि एक्सीडेंट कर गया प्रशासन का गाड़ी, ट्रक में लेकर घुस गया ड्राइवर, और इसके बाद सारा आदमी पता नहीं तुम्हारा भैया बहुत सीरियस है। ये दावत में शराब वो पकड़े गए थे और उसी से संबंधित जो कैदी थे उनको सासाराम न्यायालय में जमा किया गया था, और यहाँ से माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्ति के पश्चात विक्रमगंज उपकारम ले जाया जा रहा था। संझोली थाना अंतर्गत जिस वाहन से इनको ले जा रही थी उसमें ट्रक के द्वारा धक्का मार दिया गया है, जिसके कारण हमारे सिपाही भी जख्मी हैं, ड्राइवर भी जख्मी है उस वाहन का, और कैदी भी जख्मी हुए थे, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए थे कैदी, उनकी मृत्यु हो गई। आगे कार्रवाई क्या की जा रही है? आगे जो भी विधि कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं और सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं जो नियमानुकूल है, वीडियोग्राफी भी हम लोग करा रहे हैं सबका, और मजिस्ट्रेट के समक्ष मेडिकल बोर्ड से उनकी पोस्टमार्टम कराई जाएगी, उसकी भी वीडियोग्राफी होगी और जितने वो विधि कार्रवाई है।